हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल थिंग्स। अगर आपके पास ही इसी तरह यूट्यूब के दो चैनल्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्राइमरी अकाउंट में सेकेंडरी यूट्यूब के बारे में पता चले या सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में प्राइमरी के बारे में पता चले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अपकमिंग फ्यूचर में आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या डेस्कटॉप है, तो ये टेक्निक सभी के लिए सेम है। फिलहाल तो मेरे पास मोबाइल है, इसीलिए मैं आपको मोबाइल से बताता हूँ। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद ये आपको मोबाइल वर्जन में दिखेगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट होने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब आइकॉन पे, जो भी आपका चैनल का आइकॉन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे, वो है यूट्यूब स्टूडियो, उस पर क्लिक करके इस तरह न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह आपका चैनल पेज ओपन हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे पेज के लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको नीचे इस तरह स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन होने के बाद आपको डॉलर के नीचे एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है इस तरह और अभी आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है इस तरह और आपको यहाँ पे चैनल में सेकेंड ऑप्शन जो कि है फीचर्ड चैनल, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो अभी आपको चैनल का सेक्शन टाइटल पूछेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल देता हूँ, मेरा नया ब्लॉग है, तो माय न्यू ब्लॉग। तो ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आपका सेकेंडरी चैनल सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको आपके चैनल का नाम डालना होगा। तो फिलहाल मैं मेरे चैनल का नाम डालता हूँ, राहुल राठौर व्लॉग, और इस तरह आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको विद इन नो टाइम्स आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑप्शन मिलने के बाद एक तो आप यहाँ पे आपका चैनल सर्च कर सकते हो यहाँ, या आप वहाँ से उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मुझे मेरा चैनल मिल रहा है, तो मैं उसे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह डन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो चैनल इन सेक्शन, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है राहुल राठौड़ हैज़ बीन एडेड, तो मैं यहाँ पे डन कर दूँ। तो दोस्तों, आप अभी देख सकते हो आपका सेकेंडरी चैनल यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों मैं मेरे जो सेकेंड फीचर तो यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ इस तरह। डिलीट होने के बाद अभी आप देख सकते हो फीचर सेक्शन में आपको आपका चैनल दिखाई देगा। सिंपली आपको पब्लिश पे इस तरह क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अभी अगर आप मोबाइल व्यू में देखेंगे या अगर आप डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे, तो आपका चैनल वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो ऑफ करेगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो आपको सिंपली आपके मोबाइल व्यू में आना है और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद अभी आप डाउनवर्ड देख सकते हो, मेरे प्राइमरी अकाउंट में मेरा सेकेंडरी चैनल ऐड हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू।